क्या ताबी शिर्क है, क्या ताबी शिर्क है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अल्लका तमीमतन फकद अशरक, जिसने तमीमा तावील लटकाई उसने शिर्क किया। एक मर्तबा 10 लोग आए बैत करने के लिए, 9 से आपने बैत की, 1 से बैत नहीं की। कहा कि अल्लाह के नबी, आदमी से आपने बैत क्यों नहीं की? कहा कि इसके गले में शिर्क है। तो फिर एक सहाबी ने गले में हाथ डालकर उस तावीज को निकाला, तो तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की। अगर हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं तावीज लटका रहे हैं, तसव्वुर करिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर ये मुसलमान होते तो क्या इन मुसलमानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करते? समझ में आ पॉइंट, बहुत ख़तरनाक। तो इसलिए इसको मामूली, ये भी शिर्क है, अमली शिर्क है, और ये अकीदे वाला शिर्क भी बन जा सकता अचानक। कब? जब आदमी उस पर भरोसा करने लगे। और ये इतना बारीक शिर्क है ना, खफी शिर्क है, ये अमल से कब अकीदे बदल जाता कोई नहीं बोल सकते। इसीलिए इससे बचना चाहिए। तावीज की जितनी शक्लें हैं, अब डॉक्टर ने अगर आपसे कहा, डॉक्टर ने आप, एक आदमी कहता अच्छा काम है ना शेख, कुरान है ना, कुरान बुरा है क्या? ये अच्छा है, अच्छा है कि थ्योरी अच्छी नहीं है भाई? एक आदमी कहता खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाया, ला तुकद्दिमु बैना यदैल्लाह व रसूलिह, अल्लाह उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। एक आदमी कह रहा बिस्मिल्लाह, अब आगे बढ़ रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालीन। अरे इतना क्या पढ़ दिए भाई आप? अच्छा है ना शेख सूरह फातिहा, बुरा थोड़ी है। अच्छा ठीक है, बैतुल खला जाने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसि वल खबाइथ। अब एक आदमी कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, पढ़ के जाना चाह रहा हूं। क्यों? बोलता अबू लहब बहुत बुरा था, इसलिए मैं टॉयलेट को जाने से पहले मैं तब्बत यदा पढ़ना। तो बोले अरे भाई ऐसा मैं नहीं करता, जो सिखाया गया वो पढ़ना। नहीं नहीं, मैं आज से अबू लहब तब्बत यदा अबू लहब तब्बत यदा अबी लहब पढ़ता हूँ। अच्छा हम कहते हैं सूरह फातिहा नहीं भाई, सूरह बकरा पढ़ो, बरकत ही बरकत हो जाती। नहीं नहीं, खाना ठंडा होता पेट में जब तक दर्द होता। ओहो, सूरह फातिहा पढ़ के सूरह बकरा पढ़ी और बड़ा है ना, बड़े बड़े अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके बारे में बड़ी फजीलत। सूरह आले इमरान आखिर में खाने देने ही नहीं, बगैर खाने का मसला हल हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, पूरे गोलियां रखे हुए टैबलेट रखी हुई, आप जो चाहे खा ले सकते हैं, अच्छी है भी दवा, सब दवाएं अच्छी है बुरी है? दवा तो अच्छी रहती है, तो सारी दवाएं अच्छी है क्या उठाए खा लेते हैं? नहीं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना है आपको। एंटीबायोटिक खाने से पहले आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना है। डॉक्टर ने क्या भाई, डॉक्टर के हिसाब से खाओ। तो इसी तरीके से अच्छा है कहकर अल्लाह ताला किससे राजी होता किससे राजी नहीं होता अगर हम अपनी अकल से जान लेते तो फिर नबी को भेजने की जरूरत क्या थी? अल्लाह को मालूम है कि मेरे बंदों को नहीं मालूम कि मैं किससे राजी होता हूँ मैं किससे राजी नहीं होता हूँ, तो इसीलिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। अल्लाह ताला वही के जरिए से नबियों को बताते, नबी आके हमको बताते ये करो ये मत करो। तो अपनी तरफ से अच्छा बुरा सोचने अगर हो जाए तो इसको बिदात कहते हैं, कुल्लु बिदातिन दलाला। अच्छा अच्छा बुरा हम अपने तय नहीं करेंगे। कुरान और सही हदीस, नबी और सहाबा के ज़माने में जो इस्लाम था वही अच्छा है। बाद में जो भी इस्लाम के नाम पे निकाला गया सहाबा के बाद, वो सबको छोड़ना पड़ेगा। उसी को कहते हैं अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम।